पटना में जन आकांक्षा रैली हो रही है। महागठबंधन के तमाम ऐसे दल जो जुड़ रहे हैं, यहां पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को आप पीछे लगा करके डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, लेकिन मोदी जी ये मत भूलिए कि हम लोगों ने जिंदगी भर हमारे पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप भले ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा दोगे, लेकिन जनता के दिलों में से लालू जी को नहीं निकाल पाओगे। और लालू जी इनके गीदर भपकी से डरने वाले नहीं, हमारे पिता हमारे शेर हैं। पटना में जन आकांक्षा रैली हो रही है, राहुल गांधी भी यहां मौजूद और ऐसे लोग जो मिलकर के अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाइक रैली का भी आयोजन किया गया और पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली जहां तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं ये भी कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कितना झूठ पर झूठ बोलने का काम किया। मैं कहता हूं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, और आरएसएस जो है वो उनका जो आप क्या कहते हैं, आरएसएस जो है उनका रिटेलर है। इसलिए इनके जुमलों से आप लोग बचने का काम कीजिए। और जन आकांक्षा रैली नाम दिया गया है जहां एक मंच पर विपक्ष के कई दल के नेता जुड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधा हमला तेजस्वी यादव का भी। मंच पर मौजूद कई और नेता भी हैं, विपक्ष के नेता जो एक साथ खड़े होकर बीजेपी की सरकार को सीधे पीएम मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।